बोलिए सदगुरु देव की जय। परम वंदनीय मुद मंगल में संत समाज, आप लोगों के बीच थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। एक गांव में एक फकीर रहा करता था। फकीर की और उस राज्य के बादशाह की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो गांव उस फकीर से कहा कि साहब, आपकी दोस्ती तो बादशाह से है और बादशाह से दोस्ती का मतलब है कि आप जो चाहें उनसे कह सकते हैं, जो चाहें आप मांग सकते हैं। तो फकीर ने कहा कि बात क्या है? उन्होंने कहा कि बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी गांव में एक स्कूल होना चाहिए और हम यही चाहते हैं कि आप राजा साहब से, बादशाह से आप कहें तो हमारे भी गांव में स्कूल खुल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं फकीर हूं, मैं मांगता नहीं, लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो तो तुम्हारे लिए मांग लेता हूं। फकीर बादशाह के पास गया। जैसे ही बादशाह के दरबार में पहुंचे, उनके महल में जैसे ही प्रवेश किए तो पता चला कि उनके नमाज का वक्त हो गया था। बादशाह अपना नमाज अदा किया और नमाज अदा करने के बाद वह अपने अल्लाह से, अपने खुदा से दोनों हाथ उठा करके कहने लगा कि या खुदा, रोज के रोज मुझे ये परेशानी होती है, पड़ोसी राज्य वाले मुझे आंख दिखाते रहते हैं, कुछ ऐसी रहम करो कि पड़ोसी राज्य भी मेरा हो जाए, मेरे राज्य का विस्तार हो जाए और आसपास के जितने राज्य हैं सभी में मैं निष्कंटक राज्य करूं, कुछ ऐसी रहम करो मुझ पर। जैसी वह फकीर राजा की यह बात सुना, वो वापस लौटने लगा। वापस लौटते लौटते सीढ़ी पूरा पार कर चुका था। उसी वक्त बादशाह नमाज करके वापस लौटने लगा तो देखा कि फकीर वापस लौट रहा है। उसने आवाज लगाई, अरे फकीर कहाँ जाते हो? फकीर भी सुना तो रुक गया, कहा कि मैं कुछ मांगने आया था। तो मांगो। बादशाह ने कहा कि अगर मांगने ही आए थे तो मांग लो। फकीर ने कहा कि मांगूं किससे, यहां तो सब भिखारी ही नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूं, जो चाहो दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि तुम राजा हो, तुम बादशाह हो, मुझे नहीं लगता। तुम तो भिखारी नजर आ रहे थे, अभी अपने खुदा से, अल्लाह से मांग रहे थे, तुम राजा कैसे, तुम बादशाह कैसे? तो उसकी बात सुनकर वह भी सहम गया और कहने लगा कि सचमुच तुम्हारी बात स्मरण करने योग्य है।
इस दुनिया में तो हम सब भिखारी हैं। सतगुरु कबीर ने भी कहा है ना, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, जिसके अंदर कोई इच्छा बाकी न रह जाए, वही शहंशाह और बादशाह है। हर इंसान के अंदर कुछ चाहत होती है, और कुछ नहीं तो कम से कम सुख की चाहत तो हर इंसान को होती है। सुख पाने की चाहना सबको होती है, लेकिन मिलता क्या है? एक कवि ने कहा है कि इंसान चाहता तो सुख है, इंसान चाहता तो सुख है, लेकिन उसे वही मिलता है जिसका वह योग्य होता है। इंसान चाहता तो सुख है, लेकिन उसे मिलता क्या है? मिलता वही है जिसके हम योग्य होते हैं, हम जिसके लायक होते हैं। लायक का मतलब क्या है? लायक का मतलब है कि वो पात्रता। हम सुख चाहते हैं और सुख के लिए अगर काम नहीं करते हैं तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा भूख दूर हो जाए, हमारी प्यास खत्म हो जाए, तो हम उसके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, भूख दूर करने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, और फिर वो चीजें दूर हो जाती है। वैसे ही यदि हम सुख पाने के लिए कोई उपाय करते हैं, सुख की चाहना रखते हैं और सुख के लिए कोई उपाय करते हैं, तो वो चीज मिल सकती है। जिसकी हमें चाहना है और उसके लिए हम कोई उपाय ही ना करें तो वो नहीं मिल सकती है। ये जिंदगी बड़ी अजीब है, ये जिंदगी बड़ी अजीब है। हम सबको वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। हम देखें अपने जीवन में कि हम किसके लायक अपने आप को बना रहे हैं। क्या हम सुख के लायक बना रहे हैं या हम दुख के लायक बन रहे हैं? हम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, दूसरों की चुगली करने में अगर अपना वक्त गंवाते हैं तो क्या हम सुख पाने के लिए काम कर रहे हैं? हम बीज तो बो रहे हैं दुख का और चाहते हैं कि सुख मिले, तो ये कैसे संभव है? सद्गुरु कबीर ने कहा है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हम पेड़ तो बो रहे हैं बबूल का और चाहते हैं कि हमें आम भी खाने को मिले। हम दूसरों के जीवन में कांटे पैदा करते हैं, दूसरों के लिए हम रोड़ा बनते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, ये कहां संभव है? हम सब यहां बैठे हैं साधक हैं। साधक का मतलब ही होता है जो अपने मन को साध ले, अपने जीवन को साध ले। हम अपने जीवन को नहीं साधते हैं, अपने मन को नहीं साधते हैं और चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमारे जीवन में सुख का फूल उत्पन्न हो, तो ये कैसे संभव है? बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये दुखों का घर तो है, लेकिन यदि हमें सुख चाहिए तो उसके लिए बीज बोना पड़ेगा, और वो बीज है विचारों का। हमारे जीवन का बीज क्या है? वह है हमारा विचार। यदि हम अपने विचारों को अच्छा बनाते हैं, अपने विचारों में अच्छाई लाते हैं,
तो हमारे जीवन में अच्छाई उत्पन्न होने लगी। जैसे हम सोचते क्या है, हम जो सोचते हैं वही हमारा जीवन बनता है। हम लोगों के लिए गलत संदेश भेजते हैं, लोगों के साथ गलत बात व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ गलत ढंग से बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, गलत चीजों का दृश्य कर गलत दृश्यों का को देखते हैं, तो उन्हीं चीजों का हमारे दिल दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे विचार में वो चीजें घुल मिल जाती हैं। और उसी चीजों को हम सोचते हैं हमेशा और वही चीजें हमारे विचार में हमेशा आती हैं। तो उनके कारण हमारा जो जीवन है वो हमेशा बुराई के तरफ जाता है। जैसे संतजन उदाहरण देते हैं कि एक बार हम कहीं पानी डाल दें और वो सूख जाए, फिर हम दोबारा पानी डालेंगे तो किधर जाएगा? जिधर पहले पानी गया था उधर ही जाता है। वैसे ही हमारा मन है, हमारा जीवन है, जिस दिशा में हमने पहले अपने मन को लगाया है, अपने विचारों को लगाया है, उसी दिशा में हमारी मन और हमारे इंद्रियां उसी दिशा में आगे बढ़ती हैं। हम सब इस आश्रम में आए हैं, देखे हैं कि हम शुरू से अपने दिमाग को, अपने काम करने के ढंग को, अपने काम करने के तरीके को हम कहाँ लगाए हैं, किन चीजों में हम अपने समय को दिए हैं। आज हम उन चीजों में महारत हासिल किए हैं, आज हम उन चीजों में और अच्छा कुछ करते हैं। लेकिन जो इस चीज में नहीं पड़े हैं वो दूसरे विभाग में है, दूसरे ढंग से काम करते हैं, वो दूसरे चीजों का काम करते हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं शुरू से तो आश्रम के कुछ काम धाम है उसमें ध्यान देते हैं कि ये काम अच्छा होना चाहिए, इस ढंग से काम होना चाहिए, इस चीज में ये काम होना चाहिए, उधर ध्यान देते हैं तो उस तरफ उनकी जानकारी बढ़ती जाती है, उस क्षेत्र में वे अच्छा करने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने लिखने में ज्यादा मन लगाते हैं तो वे अच्छा पढ़ने लग जाते हैं, अच्छी चीजों की जानकारी उनके पास होती है, अच्छे ढंग से प्रवक्ता बन जाते हैं, अच्छे ढंग से भजन गायक बन जाते हैं। हम जिन चीजों में अपने मन को लगाते हैं उस चीज में हमारा जीवन आगे बढ़ता है। कोई नौसिखिया है, वो सोचे कि मैं कभी हारमोनियम बजाऊं, कभी तबला बजाऊं, कभी ढोलक बजाऊं, तो वो किसी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या है, वो जो चीज को पकड़े उसी चीज में, उसी में दिन प्रतिदिन अभ्यास करते जाए। इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, कि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बना जाता है। परफेक्ट मतलब अभ्यस्त, उसमें पारंगत। अगर हम किसी भी चीज में अभ्यास करते हैं तो उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं। एक लोक कहावत हम सब बचपन से सुनते आए हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। अभ्यास, जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं उसी चीज में हमारी महारत हासिल होती है, हमें महारत हासिल होती है। हम जो चाहते हैं अपने जीवन को देखें, इसीलिए लक्ष्य बनाया जाता है। किसी भी चीज को करने के पहले हम उसके लिए लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ऐसा बनना है, रोल मॉडल तैयार किया जाता है ताकि हम उस ढंग से बन जाएं। जैसे हम सब साधक हैं, साधना क्षेत्र के राही हैं, तो हम सब यहाँ आने के पहले गुरुदेव जी को देखे हैं। हम सब चाहते हैं कि गुरुदेव जी के ये सद्गुण हमारे अंदर आ जाएं, गुरुदेव जी के कुछ विचार हमारे अंदर आ जाएं, गुरुदेव जी के कुछ रहनियां हमारे अंदर आ जाएं। तो हम भले ही असली रूप में उस ढंग से ना कर पाए, उनका नकल करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, ध्यान में हम बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम बैठते हैं, कुछ नकल करते हैं,
और नकल करते करते ही असल में वो आता है। जैसे कोई काम करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसने इस ढंग से काम किया है, बाहरी तौर पर देख लेते हैं, हम भी वैसा करने लग जाते हैं, उसका नकल करते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि ये नकल तो किए हैं लेकिन इसमें कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो उसके सारे अंग आंगो पांग को समझते हैं, उसके सारे बाह्य कर्म को समझते हैं कि इसको किस ढंग से करना चाहिए, इस काम को कैसे करना चाहिए, इसमें कितना वक्त लगेगा, सब कुछ देखते हैं, फिर उसमें अपना मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे उस काम में सफलता मिल जाती है। वैसे ही साधना के क्षेत्र में है, हम सब साधक हैं, हम देखते हैं कि हमें सुख और शांति जो चाहते हैं वो मिल नहीं रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, रोज अपने मन को देखते हैं कि हमारा मन किधर भाग रहा है, हमें संयम की आवश्यकता है तो हम किस ढंग से संयम करें, किन चीजों का संयम करें, कौन कौन सी बुराइयां हमारे अंदर ज्यादा है जिसमें हमें संयम करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें जब बार 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 देखते हैं, बार बार उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसके विषय में अध्ययन करते हैं, तब वो धीरे धीरे परिपक्व होता है। तो मैं कह रहा था कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, सुख मिले, तो हमें उसके अनुकूल ही बीज का रोपण करना होगा, उसके अनुकूल ही सिंचाई उसकी करनी होगी, उसके अनुकूल ही उसके लिए काम करने होंगे। हम बोते हैं धान लेकिन उसमें जो खाद पानी डालना है, उसकी सिंचाई करनी है, उसका देखरेख करना है, वो गेहूं के हिसाब से करे तब धान नहीं होगा। वैसे ही जब हम शांति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ध्यान अपने जीवन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि हमें इस ढंग से ये जीवन प्राप्त करना है, तो हमें उस ढंग से ही काम करना होगा। हम चाहते तो सुख शांति का है, हमारी चाहत सुख और शांति की है, लेकिन हम काम क्या करते हैं, हम काम करते हैं व्यवहारिक लोगों की तरह, भौतिक जगत के लोगों की तरह। जैसे वे लोग रहते हैं वैसे ही हम भी रहते हैं, जैसे वो लोग खाते पीते हैं वैसे हम भी खा रहे हैं पी रहे हैं। ये तो बाहरी चीज है, लेकिन जो हमारी मनोदशा है वो कैसे है? अगर मनोदशा उनके जैसे ही हमारी भी है तो फिर उनमें और हम में अंतर नहीं है। उनको जो सुख और शांति का अनुभव होता है, जो दुख का अनुभव उन्हें होता है, वही दुख का अनुभव हमें भी हो रहा है, तो फिर मतलब क्या हुआ? साधक का मतलब है कि अपने आप को साध ले। समस्या यह नहीं है कि हमें प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, समस्या यह नहीं है कि हमें प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाती है, समस्या यह है कि हम उस प्रतिकूल परिस्थिति से अपने आप को फेस नहीं कर पाते, उससे लड़ नहीं पाते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग कहा करते हैं ना कि अगर हमारी इम्यूनिटी, हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत है तो हमें किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही कमजोर है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी होगा, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, थोड़ा सा पानी बदल गया, उतने में हमें सर्दी जुकाम और खांसी हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, मजबूत है, तो थोड़ा बहुत हम कुछ भी समय बेसमय हो गया तो भी सही हो जाता है, तो भी ठीक रहता है। वैसे ही अगर संसारिक दुख, संसार में जो आने वाले दुख हैं, पीड़ा है, वो हमारे मन को प्रभावित कर रही है, इसका मतलब है कि हमारे साधना में अभी कमी है। बाहर की जो परिस्थितियां अगर हमें हिला देती है, हमारे साधना में व्यवधान उत्पन्न कर देती है, इसका मतलब है कि हम अपने मन को अभी चट्टान की तरह नहीं खड़ा कर पाए हैं।
और वो साधना से होता है, अभ्यास से होता है। मैंने कहा ना, जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं उसमें हम पारंगत हासिल कर लेते हैं, वैसे ही ये जीवन के क्षेत्र में है, साधना के क्षेत्र में है। यदि हम साधना के क्षेत्र में पारंगत हासिल करना चाहते हैं, उसमें पूर्णता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें उसके उस चीज में, उस काम में मेहनत करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जब हम अभ्यास कर लेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, तो वो चीज हमें आसानी से मिल सकती है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि हमें अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन को देखना चाहिए, विचारना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में कौन चीज, किस चीज की कमी है, किस चीज का हमें और अध्ययन, मनन, चिंतन, और जिस चीज में समय देने की आवश्यकता है उसमें समय दें। फिर जो सुख शांति के लिए हम सब यहाँ आए हैं, जिस आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम सब जिस चाहना को लेकर के यहाँ आए हैं, वो हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को देखें, उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करें। ये ऐसी बात नहीं है कि हम जो यहाँ बोल रहे हैं वो दूसरों के लिए ही है, ये हमारे लिए भी है। ये तो एक बोलने और सुनने की एक समझी परंपरा है कि कोई बोलता है, कोई से सुनता है, लेकिन जो बोल रहा है वह भी और जो सुन रहा है वह भी, दोनों के लिए वो आवश्यक है। दोनों के जीवन में वो चीजें घटती है और दोनों के जीवन में वो उन चीजों की आवश्यकता होती है। हम यह नहीं कह सकते कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है या सिर्फ हमारे लिए है, ये हम सबके लिए है, क्योंकि हम सब साधक हैं। यहाँ जितने भी हम लोग रहते हैं सब एक गुरुदेव की भाषा में कहें तो हम सब मित्र हैं, साथी हैं, साधना पथ के राही हैं, तो हम सब मित्र हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन को देखें, अपने विचारों को देखें, जिन चीजों की कमी है हमारे अंदर उन कमियों को पूरा करें, और जिस चीज के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, उसमें मन को लगाएं, उसमें समय दें, उसमें अपने जीवन को लगाएं। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।